देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव वीरा फिरोजपुर में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, हत्यारे मौके से हुआ फरार, पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव वीरा फिरोजपुर का है, जहां आज शुक्रवार शाम गांव निवासी महेंद्र और संजय में आपस में कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने संजय पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसा घटना की जानकारी अन्य ग्रामीणों को लगी, तभी ग्रामीण काफी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे। तभी ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही आरोपी महेंद्र घटनास्थल से पहले ही फरार हो गया। तभी घायल संजय को उसके परिजन और अन्य ग्रामीण सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि घायल संजय को एक घंटे तक कोई भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया। इसी दौरान घायल संजय ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी सियाना कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सियाना सर्कल के सीओ वंदना शर्मा और कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह गावेरा फिरोजपुर और सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए हैं। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर बुलंदशहर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही सियाना कोतवाली पुलिस फिलहाल महेंद्र की तलाश में जुट गई है। दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना सियाना में लगभग रात्रि में 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति का पंचनामा पर पीएमडी कार्रवाई की जा रही है। परिवार ने इस संबंध में थाने पर एक तहरीर दी है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौजूद है।